हाँ हाँ नर्स आ कंपाउंड इथी हो गए डॉक्टर हो गए नर्स आ डॉक्टर के बात हो गए डॉक्टर हो गया सन मेडिकल वाला स्टूडेंट आ नर्स हो गया सन जैसे आ गया मैं वहाँ पे पेशेंट का काम कर रहा था वहाँ बैठ के रजिस्टर लिख रहा था जैसे आ गया पूरा मारने लगा पूरे बिल्कुल एक आदमी को 50 लोग पूरा मिलकर मारा बेड पे लटा के मार हम लोग एक घंटा तक एक रूम में बंद रहे थे और हम लोग धकेले जा रहे थे दरवाजे पर बाहर से कम 1500 की संख्या में इंटर्न और सारे इंटर्न स्टूडेंट थे और वो खूब देर तक मारपीट हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे फिर भी हम लोग नहीं बचा पाए अंतरूम की संख्या ज़्यादा होने के कारण वो लोग सारे अंदर आ गए और जो हमारे मेल स्टाफ है उनको खूब पीटा कितने लोग घायल हैं 4 लोग घायल है ICU में एडमिट है और वो आग लगा के बैंडेज वगैरह में आग लगा के भी उन लोगों ने रूम में फेंका पुलिस कब पहुंची है हम लोग एक घंटा अंदर थे उसके बाद में एक घंटा हम लोग अंदर बंद थे हम लोग यहाँ पे इंटर्न डॉक्टर लोग हैं आज हम लोग सुबह ड्यूटी कर रहे थे तो जो यहाँ के नर्सिंग स्टाफ लोग हैं वो लोग हमारे बैचमेट्स के साथ कुछ बदतमीजी किए उसमें फिर जाके हम लोग जब उन लोगों से बात किए तो वो लोग उल्टा हम लोगों को मारे हमारे बैचमेट को मारे उसके बाद वो लोग ग्रुप बना के आके लाइब्रेरी के अंदर जो हमारे फर्स्ट ईयर के जूनियर्स पढ़ रहे थे लड़के लड़कियां सबको उन्होंने रॉड से मारा है बाकी लोग अभी कुछ लड़की लोग हॉस्टल में और बाकी लोग हॉस्पिटल में अभी हैं उन लोगों को मारा ईटा पत्थर से मारा है और उसके बाद जब पुलिस आई है तो उल्टा पुलिस लोग भी हम ही लोग के ऊपर कार्रवाई की है मेरा टी शर्ट फाड़ा है पुलिस वालों ने और यहाँ मारा है और बाकी इसके साथ जो है कि पुलिस उसको मारी है पूरा ये पुलिस से किया हुआ है पूरा सब फाड़ा ये रीज़न क्या था मारपीट के पीछे मारपीट के पीछे रीज़न यही था कि हम लोग यहाँ पे इंटर्न लोग हैं हम लोग यहाँ सीखने के लिए इंटर्नशिप में हैं तो यहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ है उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हम लोग अगर उनको कुछ बोलते हैं कि आप ये दवाई पेशेंट को चलाइए तो वो लोग हमें बताते हैं कि नहीं आप ये नहीं चलाइए आप ये चलाइए इसी बात को लेके आज बहस हुई जो हमारी फीमेल इंटर्न है ज्योति उसके साथ पहले उन्होंने बदतमीजी की फिर कुछ हमारे मेल इंटर्न के साथ बदतमीजी की उनके बाद जब उनसे हम लोग बात करने के लिए गए ग्रुप में तो वो लोग हम पे हावी हो गए और पहले तो हमारे बैचमेट को मारा फिर जो लाइब्रेरी है वहीं बगल में सी ब्लॉक के पास बाहर से हम लोगों को प्रिंसिपल सर से एश्योरेंस चाहिए कि यहाँ पे जो भी नर्सिंग स्टाफ है वो कोऑपरेट करे हम लोगों को और हमें प्रोटेक्शन चाहिए ड्यूटी के टाइम पे ऐसे हम लोग ड्यूटी नहीं कर सकते ये आपसी मतभेद के चलते कुछ हुआ है दोनों साथ ही काम कर रहे थे और वजह अभी क्लियर पता नहीं चल रहा है पता लगाने की कोशिश की जा रही है किस वजह से झगड़ा शुरू हुआ किनके किनके बीच हुआ झगड़ा इंटर्न और परिचारिकाओं के बीच झगड़ा हुआ जो परिचारिकाएं हैं उनका कहना है कि वो बाहर का वो लोग खुद दवा इंटर्न के डॉक्टर लोग बोलते हैं दवा लिखने के लिए ये जानकारी अभी मुझे नहीं है मैं जानकारी लेने की कोशिश कर रही हूँ और अभी जो चोट लगा है उनका इलाज चल रहा है इलाज के पश्चात देखा जाएगा कौन दोषी है और क्या मामला था लोग इंजर्ड हुए हैं 5-6 आदमी दिखाई पड़ रहा है अभी और भी आ रहे हैं क्या कार्रवाई होगी सर कार्रवाई जो भी होगा सर कार्रवाई की जाएगी